वेलकम बैक टू रूमीज किचन। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। रूमीज किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं वेज सैंडविच, वो भी बिना विदाउट मेयोनीज। तो आइए चलिए बनाते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है दही, और ये 250 ग्राम दही था जिसे हमने हंग कट तैयार कर लिया है। और मेरे पास ये डबल नेट की छन्नी थी तो मैंने इसमें डाल के रखा है। ये देखिए पानी इसका अलग हो गया है और ये बहुत गाढ़ा सा हो गया है। और आपके पास डबल छन्नी नहीं है तो आप इसको मसलिन क्लॉथ में डाल के निचोड़ के हैंग कर दीजिए, तो आधे पौन घंटे में ही आपका हंग कट तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ग्रीन चटनी बनाएंगे पहले हम। और ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है धनिया, ये फ्रेश धनिया लिया है मैंने, और ये हमारे टेरेस गार्डन का ही है। और ये थोड़ी सी ली है मैंने पुदीने की पत्तियाँ, पुदीना बहुत कम ही लेना है, ये भी हम इसमें डाल लेंगे। और ये छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, ये भी डाल लेंगे इसमें। और ये तीन हरी मिर्च ली हैं, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। और यहाँ पर लिया है मैंने हाफ टी स्पून मेरा नमक है, और 1/4 टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और 1/4 टी स्पून ही मेरा काला नमक है, इसको भी डाल लेते हैं। और अब हम यहाँ डाल लेंगे एक नींबू का रस। आपके पास अगर इमली है तो इमली का पल्प डाल लीजिए, उससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी। और इमली नहीं है तो नींबू का रस डाल लीजिए, और कैरी का सीजन है तो कैरी डाल लीजिए। अब हम इसे कर लेंगे ग्राइंड। हमने अपनी चटनी को ग्राइंड कर लिया है, यहाँ पे हमने अपने दही को एक बॉल में शिफ्ट कर लिया है। देखिए कितना क्रीमी सा हो गया ये। और अब हम इसमें अपनी कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें हाफ टी स्पून पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। और जिम जाने वालों के लिए भी बड़ा हेल्दी ऑप्शन है ये, बस वो कुछ चीज़ें इसमें से स्किप कर दें, जैसे इसमें शुगर ऐड ना करें। मैं वाइट ब्रेड से बना रही हूँ, ब्राउन ब्रेड में बना लें। और यहाँ पे मैंने लिया है गाजर, 2 टेबल स्पून हम इसमें गाजर ऐड कर लेंगे। सब्जियाँ भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। कम लगेगी तो और डाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने खीरा लिया है, इसको भी कद्दूकस कर लिया है और इसको निचोड़ लिया है। यहाँ पर एक मैंने स्मॉल साइज का प्याज दिया है, इसे भी फाइन चॉप कर दिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज स्किप कर दीजिए। यहाँ मैंने फाइन चॉप शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च मैंने बहुत थोड़ी सी ली है, 1 टेबल स्पून है ये, क्योंकि शिमला मिर्च मुझे सूट नहीं करती है तो इसलिए मैं कम ही यूज़ करती हूँ। आपको जो कि पसंद है जो वेजिटेबल वो आप उसको ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है, उसको भी फाइन चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा धनिया पत्ती ली है। नहीं कितना कलरफुल सा लग रहा है। और यहाँ पे अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ली है, 1/2 टीस्पून ओरिगेनो है, अगर ओरिगेनो नहीं है आपके पास तो स्किप कर सकते हैं आप। और ये 1/4 टीस्पून है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, और अगर बच्चे खा रहे हैं तो कम डाल दीजिए। और चिली फ्लेक्स नहीं है तो चिली पाउडर भी डाल सकते हैं आप। और इसको बहुत अच्छे से अपन कर लेंगे मिक्स। अगर आप शुगर ऐड कर लेते हैं इसमें तो बिल्कुल वही टेस्ट आ जाएगा आपको जैसे मेयोनीज का आता है, थोड़ी सी मिठास भी आ जाएगी, लेकिन मैंने ऐड नहीं करी है क्योंकि हम इसको हेल्दी वे में बना रहे हैं। और इसको बहुत अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स।
और सैंडविच बनाने के लिए यहाँ हमने सैंडविच ब्रेड ले ली है। और आपके पास अगर जो आप डेली यूज में ब्रेड यूज करते हैं वो भी ले सकते हैं, मेरे पास है तो मैं यूज करती हूँ। और आपके पास अगर रेगुलर यूज वाली ब्रेड है तो आप उसको ये जो साइड्स होते हैं इसको आप अपनी नाइफ से कट कर लीजिए। अब हम एक स्लाइस पे जो हमने अपनी चटनी रेडी करी है वो लगाएंगे और एक स्लाइस पे हम लगा लेंगे बटर। बटर अगर आप जिम कर रहे हैं और या वेट लूज कर रहे हैं तो आप बटर मत लगाइए, बटर को स्किप कर दीजिए। बिना बटर के भी बहुत टेस्टी लगता है ये, और बटर भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं लगाया है। और दूसरे स्लाइस पे हम लगाएंगे हरी चटनी। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो केचप भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ चटनी लगाऊंगी जो चटनी अभी हमने रेडी की है। चटनी भी मैं बहुत कम लगाऊंगी क्योंकि मेरे यहाँ भी बहुत तीखा नहीं खाते हैं। और चटनी को स्प्रेड कर दीजिए अच्छे से। बहुत ही मतलब एक बार आपने ये सैंडविच बना लिए ना तो आप बार बार बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है बहुत ही हेल्दी है। और अब जो ये हमने स्टफिंग तैयार की है अपनी, मुझे तो देखने में ही इतनी अच्छी सी लग रही है, इसको स्प्रेड कर लेंगे। और ऐसे ही अपने दोनों स्लाइसेस पे लगा लेंगे। बस इतना टाइम लगता है, वेजीज अगर आपकी कट है तो 10 मिनट लगते हैं सैंडविच बनने में। ऐसे ही दूसरा रेडी कर लेंगे हम। तो ये अच्छे से हमने स्प्रेड कर लिया इसके ऊपर। अब ये वाला जो स्लाइस है ये रख लेंगे इसके ऊपर। और इसके ऊपर आप चीज स्लाइस भी रख सकते हैं, मैं चीज स्लाइस नहीं लगा रही हूँ, आप लगा सकते हैं अगर बच्चों को पसंद है तो। और ये देखिए हमारा सैंडविच बन गया है, अब हम इसे करेंगे कट। मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए कितना अच्छा सा सैंडविच बनके तैयार हो गया है ये हमारा। और यकीन जानिए आप इसे बनाएंगे ना उतना ही, जितना देखने में अच्छा ये लग रहा है उतना ही खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।